अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा सादर नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से इस टेम्परेरी पार्टीशन को इस तरह के परमानेंट पार्टीशन में कन्वर्ट किया। तो भाई कुछ इस तरीके से मैंने हमारे काम को शुरू किया। पहले हमारा जो पुराना वाला ग्लास है उसको हमें निकालना पड़ा ताकि हम उसकी कटिंग करवा के उसको एक परफेक्ट शेप में हम उसको एक रूम में फिट कर सकें, जो हम अपने पार्टीशन के लिए जो चीज़ें लाए हैं उनको ईजिली लगा सकें। तो हमने ग्लास निकाल कर उसे साफ़ कर लिया है। तो भाई ग्लास निकालने के बाद एक्वेरियम जो है कुछ इस तरह से लग रहा है। अब कोई भी पार्टीशन फ़िलहाल के लिए नहीं है एक्वेरियम में, और तीनों बेटाज और जो मौली फिश के बेबीज़ हैं वो इसी में हैं। मुझे थोड़ा सा डर है कहीं आपस में लड़े ना, पर ठीक है स्पेस ज़्यादा है तो ये नहीं लड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी जो है सारा काम फिनिश करके ग्लास को कटवा के इसमें जल्दी से पार्टीशन को फिट कर देता हूँ ताकि ये इस तरह से ना लड़े। तो भाई देखिए यहाँ पे हमारा जो ग्लास है वो हमने कटने के लिए दे दिया है। ये दोनों भाई जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि परेशानी ये है कि जो कटिंग है वो मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर्स की है और ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लास है वो एकदम एक्यूरेट कटे और कोई भी गलती ना हो। सो देखते हैं, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं आपस में, देखते हैं कैसे करते हैं। तो भाई हमारा जो ग्लास है वो अब कट चुका है। देखिए कितना छोटा सा पीस जो है वो भैया ने अलग किया है। ये देखिए एक पतली सी स्ट्रिप जो है वो बाहर आई है। तो बस अब हमें अपने ग्लास को ग्राइंड करवा के घर लेके जाना ताकि हम उसे जल्दी से अपने एक्वेरियम में लगा दें। तो भाई जो पहली चीज़ हमें करनी है वो है हमारे ग्लास को साफ़ करना है अच्छे से, क्योंकि जो ग्राइंडेड ग्लास है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ग्लास के रह जाते हैं। तो ग्राइंड करके अब अपने एक्वेरियम का जो भी एक्स्ट्रा स्टफ है जिसने हमारे टेम्परेरी पार्टीशन को होल्ड करके रखा था वो मुझे मैंने निकाल लिया है। लाइक ये जो स्पंजेस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिल द स्पेस कि जो बच्चे हैं वो दूसरी तरफ पार्टीशन में ना जाएं। ये बाकी का जो हमारा जो ग्लास है वो हमें इसके बाद ही फिट करना है। तो हमने ये जो सक्शन कप है जिन्होंने हमारे टेम्परेरी पार्टीशन को एक तरह से बैलेंस किया था, हमने उन्हें भी निकाल लिया है अपने एक्वेरियम से बाहर। ये देखिए सारा सामान बाहर आ चुका है। तो ये वो एक्स्ट्रा सामान है, लाइक वो सक्शन कप्स हैं जिनसे जो हमारा जो परमानेंट पार्टीशन है उसको हम अपने घर में सेट करेंगे। तो ये रहे वो, हमें क्या करना है, हमें जो सक्शन कप है इनको हमारे एक्वेरियम में जल्दी से सेट करना है। और उससे पहले ये मेरा एक एयर स्टोन है उसको मैं बाहर निकाल दूँ। तो ये मैंने निकाल लिया। तो बस अब हमें इस ग्लास को एक्वेरियम में दीज अटैचमेंट्स हमें इसको ऐड कर देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारा जो ग्लास है वो एक्वेरियम में लग चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं उसको एक तरह से फिक्स कर रहा हूँ ताकि जो हमारा ग्लास है वो अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए लग चुका है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको लगाया और अब मैं किस तरह से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट रहे। तो भाई अब जिस फिश का जो पार्टीशन मैंने बनाया उसको वहाँ जाना होगा। तो ये रहे हमारे मिस्टर ब्लू मेल बेटा फिश। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारे हैं। तो मैंने इनके पार्टीशन में ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी अब जो इधर जो मौली फिश की बेबीज हैं उन्हें ही मुझे इनके पार्टीशन में ऐड करना है क्योंकि मैं बस कर ही रहा हूँ। तो भाई जो फाइनल टच आएगा वो तो लाइट से ही आएगा। तो यहाँ मैंने लाइट लगा दी है और अब टॉप को लगा के मैं टैंक को शुरू कर दूँगा। तो ये देखिए द फाइनल टचअप और द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन, आप देख सकते हैं जो पार्टीशन है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब इसके जो बेनिफिट्स वो ये हैं कि जो मेरी फीमेल बेटा और जो मेरा मेल बेटा है वो आपस में नहीं लड़ेंगे, वो अपने अपने पार्टीशन में अच्छे से रह लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है मैंने अपने मिस्टर ब्लू जो मेरा मेल बेटा है उसकी तरफ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।